The past decade in India has seen the rise of the Hindutva movement. The movement refers to political Hinduism, which seeks to place the Hindu religion at the center of political and social life in India. For many, it also means making India a Hindu nation. And providing the soundtrack to this movement is Hindutva pop, songs filled with hate and bigotry, primarily against Muslims. Because Al-Qaeda is talking about blood, हमला करने की बात कर रहा है, हिंदुओं की हत्याएं करने की बात कर रहा है और गजवाए हिंद की बात कर रहा है। Now, one of the big news of this week was the UP police busting an alleged conversion racket in Delhi. इस स्टोरी में मुस्लिम्स हैं, कन्वर्जन्स हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान दूर नहीं रहेगा। It was none other than Pakistan's ISI that was funding this alleged conversion. ये पूरे देश के अंदर एक साजिश के तहत हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए पाकिस्तान की ISI एजेंसी फंडिंग कर रही है। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में आईएसआई और विदेशी फंडिंग का एक सामना पैसा लेता है यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पर है, सिर्फ और सिर्फ धर्म। आज जिस तरह से भारत के बहुत सारे मुसलमान देशों के 190 करोड़ मुसलमानों भारत का विरोध करने वाले मुस्लिम देशों का साथ दे रहे हैं, उसका आभास उत्तर प्रदेश में ना रहते हों, गाजियाबाद के आसपास ना रहते हों, दिल्ली में भी ना रहते हों, लेकिन इस तरह के गैंग्स कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। सच्चाई की खबर है और ये सब कुछ सच है और ये आपके पास भी हो रहा होगा, ये अब हो रहा है, आपके गली मोहल्ले में भी हो रहा होगा, आपके शहर में भी हो रहा होगा, आपके राज्य में भी हो रहा होगा। सोचिए, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। परिवार यहीं रहता है इसी शहर में? हाँ, परिवार यही है, यहीं की पैदाई से यहीं पले बड़े, यहीं पढ़े, अब यहीं की मिट्टी में मिल जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि यहीं की मिट्टी में आखिर में मिल जाना है, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े समुदाय को समझ ही नहीं आ रही है। देखिए, परदादा से लेकर और अब तक की 5 पीढ़ियों में किसी की समझ के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इनकार नहीं कर सकते। और मेरे दादा थे बुंदू मियाँ, वो चूड़ी पहनाने का काम किया करते थे। और इस पूरी वैली में जो हमारी श्रीनगर वाली वैली है, इसमें कोई ऐसी सुहागिन नहीं होगी उस ज़माने में जिसने उनके हाथ से चूड़ी ना पहनी हो। तो उसके बाद फादर ने काम चेंज किया, हैंडलूम में आए, हम लोग उसमें हैं। बड़ा भाई मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है, ज्योग्राफी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो मेरी भतीजी जो है यहीं से MBBS कर रही है। तो इस पहाड़ ने तो बहुत कुछ दिया है और श्रीनगर ने विशेषकर और कुछ बहुत ज़्यादा दिया है, उसको तो वो नहीं कर सकते। अब लेकिन राजनीति ने तंग कर दिया। तंग तो नहीं किया, राजनीति में जितना हमारा हिस्सा था उतना मिल गया। अब उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी की ना तो हमें उम्मीद है ना वो देंगे। ये तो एक परवेज के परिवार की बात हुई, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने पाँवों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, काम की रोज़गार की तलाश में जो यहाँ आए थे, उनमें कई नए लोग भी आए होंगे, वो क्या सदमा लेके लौटे हैं? नहीं, देखिए अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी लोगों के लौटने की संख्या बहुत कम है, लोगों के आने की संख्या है ज़्यादा है, पर डर है। जैसी कभी ये होता है, क्या गोपेश्वर में कुछ हो गया या पुरोला में कुछ हो गया या हल्द्वानी में कुछ हो गया तो सारा समाज सहम जाता है, जबकि हमारा क्या मतलब? पुरोला में कुछ हुआ हमने किया या श्रीनगर में कुछ हुआ माना बात, तो किसने किया वो, उसको हम अपराधी के तौर पे देखें, उसको क्यों हम मतलब अगर जो समाज के तौर पे क्यों देखा जाए, जब अपराधी को, जब कोई दूसरा व्यक्ति अगर जो करता है तो आप उसको अपराधी के तौर पे देखते हैं, पर जैसे ही आपको उसके नाम में उर्दू वाला नाम नजर आता है तो आपके सोचने की बत्तियां बुझ जाती हैं आपकी क्षमता। ये जो दोराहा है, अपराधी है। मुझे लग रहा है ये तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, केवल गढ़वाल की बात नहीं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में। जो आपने कहा कि अगर नाम से अगर पता लगे कि शख्स मुसलमान है, आरोपी मुसलमान है या मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो पूरी कम्युनिटी टारगेट में आ जा रही है। ये लगातार पैटर्न हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसको लेके कभी चर्चाएं होती है? जन मुद्दों को और जन समस्याओं को छिपाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है धर्म। धर्म एक ऐसी चीज़ है, क्या आप कुछ भी कर जाइए और अपने धर्म का
चोला ओढ़ लीजिए, सारी चीज़ें छुप जाएंगी जब आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते।